are not wearing that this kind of a jacket you wear now. এখন তো তুমি স্টার হয়ে গেছো না, এখন whatever I wear I thought I'll come in pajama best hota hai. Kaise ho, kaise dada, kaise kya hal hai bhai? Sab fine dada, sab fine. दादा आओ ना इधर, दादा इधर आओ ना एक बार, कोविड थोड़ा हग करके. अरे अरे राकेश जी, राकेश बात देंगे. बताइए कौन शुरू करेंगे, क्या करना है? थैंक यू. आई हैव कम टू वर्कआउट जिम है ना. ऑफकोर्स आई हैव कम फॉर तेरी रू. तोशी भाई का इट्स अ न्यू सॉन्ग. वी ऑल नो हाउ गुड ही इज एज अ सिंगर एंड कंपोजर इज वेल. ये गाना जब रिलीज हुआ आज ही, इट्स कम, आई लव्ड द सॉन्ग. सोलफुल सिंगिंग, हाँ सोलफुल सिंगिंग है. एंड ही इज जस्ट ही. और आपके बारे में क्या, आई डोंट थिंक वी नीड टू से. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग बिग बॉस के घर में जब 7 दिन अंदर थे, मैं 7 दिन के लिए गया था, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं गया था. हमने इतना गाना बजाना किया है ना उधर पर, बहुत गाते थे हम लोग. एंड ऑनेस्टली एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ, ही इज़ अ वेरी 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 हम्बल सोल एंड अ ग्रेट म्यूजिशियन हिमसेल्फ. एक दिन तो ऑनेस्टली एक दिन ना हम लोग वसीम भाई, हम लोग सब बैठे थे एक दिन, एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग द गिटार लेके और सबको रुलाया इसमें. एवरीबॉडी वाज क्राइंग. यस, सो थैंक यू वेरी मच. बाकी थैंक यू फॉर. यस तोशी भाई, आज तो आपका दिन है. है दिल मेरा तेरी रूह से लिपट जाने पे आमादा, है रत के तू मेरे जिस्म से महकता है मुझसे ज्यादा, तुझसे मेरा ये वजूद है सवाल कर रहा, मुझको बस तुझ में हू बहू तेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा. अरे बाप रे, मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुन है तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी. थैंक यू. तालियां बनती है यार अमीर, कम ऑन यार, सच गुड सिंगर. तेरी रूह के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मतलब ये माइक रखना है कि अच्छा. तेरी रूह के बारे में आई थिंक व्हाट तोशी भैया सैंग अभी, उन्होंने जो गाया, आई थिंक वही हम सबके इमोशंस है, बिकॉज रूह को लगती है ये सॉन्ग. और तोशी भैया का आई बिन हिज फैन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी नोन फैक्ट, आई हैव सेड इट पब्लिकली ऑल्सो, एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आऊँ उनके गाने के लिए, बिकॉज बिग बॉस में भी इनको बहुत पर्सनली सुनने का मौका मिला, एंड आज उनके लॉन्च पे, सॉन्ग लॉन्च पे आने का मौका मिला. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विश दैट दिस सॉन्ग डज अमेजिंगली वेल. इट विल, इट विल. थैंक यू, डेफिनेटली. लुक यार, एक्चुअली हाँ, लुक चेंज कर दिया. बाल लंबे रखता था हमेशा, हमेशा से बहुत सालों बाल लंबे रखे, कभी बाल काट के देखा नहीं कि छोटे बाल कैसे लगते हैं. तो अब की बात थोड़ा एक नया रूप, एक नया, हालांकि वसीम भाई ने मुझे आती बोला बाल क्यों काटे तुमने. आई थिंक यू आर लुकिंग फैब इन दिस लुक, आई रियली लव इट. सो जस्ट फॉर हां 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 प्लान कर रहे, बोल रहे थे मेरे को. नहीं वसीम, मैंने मेरे आधार कार्ड का फोटो देख के मना कर दिया था. आधार कार्ड की फोटो से कोई एक्टर नहीं बनता फिर. कर रहा है तोशी भाई के साथ अगले 5 गानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिया है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट किया 5 सॉन्ग. जी 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 बिल्कुल, 5 गाने साथ में करने वाले हम लोग. 4 सॉन्ग और आ रहे हैं इनके साथ, 400 और हैं. सो ग्रेट फन. और तोशी भाई ने एक चीज कर ली है जो मुझे नहीं काम दे रहे हैं, इनको बताइए आप प्लीज. साथ ही रेणुका पवार को लेके नया सॉन्ग मेरा दूसरा रिलीज होगा, मे बी
नेक्स्ट वीक हो जाएगा। रेणुका पवार जो हरियाणवी सिंगर है उसका कर दिया है, शूट चल रहा है उसका, नहीं शूट हो गया है, तो मे बी नेक्स्ट मंडे तक मैं ये कर दूंगा। बाकी एक चीज और कहूंगा मैं सभी मीडिया से, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मेरी जो ये कुरैशी प्रोडक्शन की मेरी टीम है, ये मिस्टर रवि रवि जी है, रवि फिरिया, अनिल उपाध्याय जी है, ये आदेश जी है, वो अख्तर जी है, और ये डायरेक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक बार इनकी मेहनत, क्योंकि इन्होंने सुबह से शाम 24 घंटे जाग जाग के जो मेहनत की है, क्या बात है, उसे दिल से सलाम करता हूँ। और वो करण जी है, ये भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, जो कंपोजर होता है वो उसकी आत्मा होती है, तो जो तेरी रूह है ना वो रूह एक्चुअली इनकी है, तो एक कंपोजर के लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसका गाना लोग पसंद करें, और इतने कम समय में 1.5 मिलियन गाना क्रॉस कर गया, एक बार जोरदार तालियां भानु के लिए। शुक्रिया। लेकिन तोशी भाई ने ऐसा गाया कि 4 चांद लगा दिए गाने में, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। आगे भी हम लोग कर रहे हैं अभी साथ में, खूब एंजॉय करने वाले, जरूर जरूर, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। डन, ओके। लिया आपने? अच्छा अच्छा सर, अच्छे से लो। मास्क क्यों उतरा पहले बताओ सर। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लेंगे लेंगे वो उसके साथ लेंगे, लेकिन मेरा पहला आपके। यस, माय फर्स्ट पीआर, पीआर मैनेजर वाज लोपा मुद्रा दास। मेरे फर्स्ट पीआर मैनेजर थे लोपा मुद्रा दास। यस, उसके बाद दास को खास खिला के सोलो लेना चाह रहे हैं। हाँ जी, रियाज भाई कहाँ हैं? अनिल भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे थैंक यू। वो कहा नूर भाई? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली टाइम पर ही था, मुझे बताया गया कि मीडिया थोड़ा लेट पहुंच रहा है इसलिए। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी टू मेक यू ऑल वेट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कमिंग। आप सब लोग यहां पर आए हैं, आप सब लोगों ने गाना आई होप देखा होगा या सुना होगा, तो कोई भी सवाल आपके हो तो आई एम रेडी टू आंसर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, हाउ आई कम ऑन बोर्ड, ये हमारे बड़े भाई सुपरस्टार वसीम भाई, इन्होंने मुझे बोर्ड पे लाया तो मैं बोर्ड पे आ गया। भाई का प्यार है, इन्होंने मुझे इस गाने के लिए याद किया और मुझसे कहा कि ये गाना करना है। एंड व्हेन आई हर्ड द कॉम्पोजिशन, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, एंड आई रियली वॉन्टेड टू गिव द क्रेडिट टू द कम्पोजर भानु पंडित। एक बहुत ही टैलेंटेड कम्पोजर है और बहुत ही कमाल का ये गाना भानु ने बनाया है, और बहुत अच्छे से भानु ने इस गाने में पूरी मेहनत की है, और मुझे इनफैक्ट मैंने 2 बार गाया इस गाने को स्टूडियो में जाकर, एक बार गाया फिर उसके बाद कुछ लाइनें चेंज करनी थी, फिर दोबारा इस गाने को गाया, तो ये ऑल एफर्ट हम सब लोगों ने साथ में मिलकर डाले हैं। क्या मानते हैं आप, इंडिपेंडेंट म्यूजिक या इंडिपेंडेंट लेबल्स का टाइम आ गया है जहां इस तरह अलग तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जी मोनोपोली भी नहीं है म्यूजिक जी। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम है, एंड इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल द न्यूकमर, ऑल द सिंगर्स, ऑल द कंपोजर्स, एंड एवरीबडी हुज ट्राइंग हार्ड देयर लक इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सो वी हैव यू नो ऑल द प्लेटफॉर्म्स, एंड हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खुली हैं लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम आना भी था कई सालों से और अब आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। नहीं, इस सॉन्ग के लिए जहन में थे वो। दरअसल जब मैं इस सॉन्ग का मतलब म्यूजिक हमने कंपोज किया भानु ने, काफ़ी सारे सिंगर्स की आवाज़ सुनी मैंने कि किसे लेना चाहिए, तोशी भाई का दिमाग में बैठ गया, फिर नंबर निकाला, बात की मैं। वो दरअसल इनका एक सॉन्ग था, वो तू दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे भाई, वो सूफियाना सॉन्ग था वैसे। थैंक यू वेरी मच। बाकी ऑल सेट, ऑल वेल, कैमरा।